उत्तर प्रदेश ने रोजगार देने के मामले में 17 राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE की ताजा रिपोर्ट में यह बताया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में 3.9% बेरोजगारी है, तो वहीं राजस्थान में 31.4% बेरोजगारी है, यानी राष्ट्रीय औसत 7.7 से प्रदेश में आधे से भी कम बेरोजगारी है। CMIE ने 1 मई से 31 अगस्त तक किए गए सर्वे के आंकड़ों के आधार पर ये रिपोर्ट जारी की है। संस्था की ओर से देश के 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वे किया गया है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2016-17 में बेरोजगारी दर 17.5% थी। इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार और सर्व रोजगार से जुड़ने के लिए मिशन रोजगार की शुरुआत की। अब तक 5.25 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी, 3 लाख युवाओं को सरकारी विभागों में संविदा पर सेवा और MSME में 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिलाया गया है। इसके अलावा मनरेगा और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से करीब 2.5 करोड़ लोगों और ODOP में 25 लाख लोगों को रोजगार दिलाया गया है। प्रदेश सरकार हर परिवार के एक सदस्य को रोजगार दिलाने वाले हैं। परिवार कल्याण योजना के तहत हर परिवार की ID बनाने के लिए आवेदन पोर्टल का ट्रायल को जल्द लॉन्च किया जाएगा। प्रदेश में 15 करोड़ आधार वैलिडेट राशन कार्ड धारक हैं, जिन्हें तुरंत परिवार ID कार्ड जारी की जा सकती है। इसके तहत हर परिवार को एक ID दी जाएगी। फिलहाल यह योजना स्वैच्छिक है और सरकारी योजना का लाभ लेने में इच्छुक लोगों का आवेदन की आवश्यकता होगी। परिवार कल्याण योजना हर परिवार के लिए रोजगार का आधार बनेगा। पोर्टल पर फीड डाटा के अनुसार लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर सरकार को नई योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य सभी बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ साइट। धन्यवाद।